पहले मिला नहीं। जब सामान पहुंचता है वो डीसी के पास जा रहा है या मिनिस्टर के पास जा रहा है, मिनिस्टर घर से नहीं निकल रहा है कि किसको नुकसान पहुंचा है। ये किचन है दिखा देना, लेकिन पूरा किचन इनका डिस्ट्रॉय हो चुका है और इनकी घर में मतलब फौजगी भी हुई है और इनकी वाला भी शहीद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नसीब रहसानी और मेरे साथ मीर शफीक गुरगुनाड़ी और हम जा रहे हैं अरनाई। मेरे सारे व्लॉग्स होते हैं, मैं मतलब जहाँ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन इस बार जाएंगे मुतासरीन से मिलेंगे और जिनको जी चीज़ें ज़रूरत है हम उन पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बैतुल सलाम की तरफ से, मैं ख़ुद एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मतलब अभी बैतुल सलाम एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये है कि जो भी खिदमत बैतुल सलाम हमेशा बलूचिस्तान में आते हैं, मेरे खिदमत लेते हैं, मैं उनसे होता हूँ क्योंकि ये इंसानियत के ऊपर काम करते हैं। हमेशा बैतुल सलाम वाले मतलब कहीं भी आफात आए तो बैतुल सलाम वाले आगे होते हैं। तो इस टाइम हम अभी जा रहे हैं अपना अरनाई और हमारे साथ है पीडीएमए के तरफ से, क्योंकि हमारी डीसी साहब से बात हो चुकी है तो उन्होंने कहा कि आ जाए। पीडीएमए के ऊपर बंदे बैठे हुए हमारे साथ और बैतुल सलाम की बैतुल सलाम के वॉलंटियर्स हैं और हमारे साथ मीर अजीज़ मरी भी हमारे साथ है। ठीक है, आगे क्या दिखाता हूँ। क्वेटा से अरनाई का रास्ता जो है 4 घंटे का है और बहुत ही दुश्वार एक रास्ता है 4 घंटे की। हमने रेस्ट की और रेस्ट के बाद हम एक छोटा सा शॉट बनाएंगे हम कितनी गाड़ियां हैं और पूरा एक काफिले के शक्ल में जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे अरनाई का जो व्यू है। अभी नहीं, अभी आगे करो, आगे आगे ये दिखाओ, अच्छा ये कैमरे आप अंदर से आ जाए, अंदर से दिखाएं, अंदर से दिखाएं इनको। ये देखिए जिलजिले से ये मुतासरीन के घर गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे ईंटे बाहर पड़ी हुई है। अच्छा ये ये इनका किचन है, ये किचन है दिखा देना, देखिए पूरा किचन इनका डिस्ट्रॉय हो चुका है और इनकी घर में मतलब फौजगी भी हुई है और इनकी वाला भी शहीद हो गई है, ये देख सकते हैं। जो मुतासरीन है अभी मुतासरीन से आपको बात करवाएंगे। जी आपके घर में फौजगी हुआ है, क्या हुआ है? भाईजान हमारा घर में फौजगी हुआ है जी, तकरीबन 5-6 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कोई इमदाद आया हुआ है, ना कोई टेंट मिला है। हम लोग 7 भाई यहाँ पे, 7 फैमिली रह रहे हैं, 7 फैमिली में से हमारा सबको मुझे ये एक टेंट दिला है, वो कर दिया है।
अच्छा ये टेंट है ठीक है। अभी साफ फैमिली हम लोग ये लोग पहले शुरू में आते हैं कि नाम लिख रहे थे, फिर बाद में हम लोग जाते बोलता है तुम्हारा एक नाम है। अच्छा भाई हम लोग साफ फैमिली रह रहे हैं, सबके सबके लिए टेंट का दरवाजे, हमें न जूस का न बोतल का न पानी का दर, मुझे पहले टेंट का दर, टेंट के बाद मुझे कैश चाहिए कि हम लोग बच्चों के लिए इमदाद चाहिए कि सर्दी आ रही है कि हम लोग आपके जो चीज़ें हैं। अभी हम आपको आपका नाम आप पीडीएम के जो हमारे ऑफिसर है अभी मैंने भाई को बता दिया, भाई आपने नंबर लिख दिया इसका नाम लिख दिया, आपकी चीज़ें अभी इनके पास पड़ी हुई हैं पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये मैसेज हम दे रहे हैं बराए मेहरबानी ये वीडियो इनके लिए है, जितना भी हो सके इनके शेयर करें, इनका हम नंबर देंगे। नाम बताओ अपना। मेरा किले नहीं हुआ अस्पारी सबसे ये नाम पे मुझे इतरा एक नाम लिखा है, आप मेहरबानी कर हर भाई का हर ये आपका जो वीडियो हम बना रहे हैं ये इंटरनेशनल नेशनली चलेगा, मतलब हमारे वॉलंटियर से आप देख सकते हैं। आप लोगों में हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, किसी कोई भी आए तो कोई तंगी माला दाद रसी के लिए हमें यह नहीं आया, आप पहले तो आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहे हो कि आप लोग आए हम लोगों का बात सुना, अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। और ये सारे जो मुतासरीन हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं मीर शफी हो गया और अपना बैतुल सलाम के हमारी टीम है जो कराची से आई हुई है और यहाँ पे मुनज़्ज़म तरीके से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम जाके घर घर विज़िट कर चुके हैं जो मुतासरीन हैं उन जो जिसकी मतलब जिस जो इसका अकदार है उसको पहुँचाने के लिए और आगे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला एक मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे, अल्लाह पाक खैर से करें, आगे भी आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बैतुल सलाम की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पे कुछ मुतासरीन हैं, इनके घर गिरे हुए हैं। अच्छा आपके क्या नुकसान हुआ है मेरे भाई? हरनाई में नुकसान ये हालत है, ये वाकई ये तकरीबन 150-200 घरे गिरे हुए, टेंटे सिर्फ 60-70 टेंटे मिले हुए, बाकी किसी को माचिस तक भी नहीं मिला है। लेकिन जगह भी नहीं जो तंबू को कड़ा करेगा, हमारा घर ये देखे तो लेकिन फिलहाल और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जितनी मतलब मदद कर सके तो कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बाकी आप क्या मैसेज देंगे कि हमारे पूरे पाकिस्तान में मतलब लोगों को मदद के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि ये तो एक एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है ना, गवर्नमेंट का क्या आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? हमारे गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे कि ये गरीब आवाम है, ये बूढ़े ये छोटे ये जवान सारे दरपदर है, सब दरपदर है। अच्छा मजदूर है हम, 500-400 रुपया दिहाड़ी है, वो खाने के भी नहीं है हमारे, हम क्या कहें, हमारा मकान सारा गिरा हुआ है जी, अभी हमको जरूरत है माली इमदाद का, हमारा मकान बनावे। हाँ ये सारा 250 घरे हैं सारा गिरा हुआ है, हमारा हमको माली इमदाद के लिए इमदाद कोई भी नहीं पहुंचा है, कोई किसी को भी नहीं मिला है, 200-300 घरों में से 50 टेंट 30 टेंट मिला हुए, बाकी इमदाद किसी को नहीं मिला है। डीसी से क्या कहना चाहते हो? डीसी को ये कहना चाहता है कि ये गरीब आवाम को अपना हकूक मिल जावे, ये जो इतना सामान आया है ये किधर है, किली शोर में किसी को भी जो है ना कोई चीज नहीं मिला है, सिर्फ 50 टेंट मिला है, बाकी ये जो घी अच्छा कोई चीज का कोई चीज जो है ना किसी को नहीं मिला है।
डीसी को ये वजीर आला बलूचिस्तान से क्या आप अपील कर रहे हैं? वजीर आला बलूचिस्तान को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बिचारे मकान बनावे, बस मकान बनावे, सामाने पहुँचा, टेंट की जगह नहीं है जो हम खड़ा करें टेंट घर में। हाँ मलबा पड़ा है हमारे घर में, सारा गाँव तबाह है। ये बच्चे देखो चंपल तक, छोटे बच्चे तक ये नहीं है, ये देखो ये मजदूर आदमी है, चल फिर नहीं सकता है, ये मजलूम बच्चे देखो इनके पैरों में जूती नहीं है, वो कहां जा रहे हैं? देख सकते हैं कि ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और यकीन माने इनके स्कूल मतलब पूरे शहर खत्म हो चुका, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान की हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से करें, क्योंकि ये एक एनजीओ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इनको काफी नुकसान हुआ है, वो ये रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैं प्राइम पहले मिला नहीं, जब सामान पहुंचता है वो डीसी के पास जा रहा है या मिनिस्टर के पास जा रहा है, मिनिस्टर घर से नहीं निकल रहा है कि किस को नुकसान पहुंचा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नर मोहम्मद दुमड़ है, ये नहीं वो लिहाजा हमें राशन की इतनी जरूरत नहीं है जितना की खास तौर पर हमें ट्रैक्टर की बहुत जरूरत है। हमारे मकान में पूरी तरफ मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, तो लिहाजा हमें सख्त जरूरत टेंटों की होती। हमने विजिट किया यहाँ पे, हमने सर्वे की यहाँ पे, यहाँ पे शदीद इमदाद की ज़रूरत है, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो शेयर करें, कम से कम अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ये भी आपकी हेल्प होगी कि आप ये वीडियो आगे भेजेंगे, क्या पता किसी के पास किसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाए और इनकी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।